क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलीनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² - 9x - 5 ये चार टर्म है, क्यूबिक पॉलीनोमियल है, इसको हम फैक्टर्स करेंगे तो तीन फैक्टर्स बनेंगे। कॉमन लेने से काम नहीं चलेगा, जैसे आपने यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और यहां से बचा एक्स माइनस 3, अब इसमें से माइनस 1 कॉमन लिया तो 9x + 5, तो कॉमन लेने से दोनों फैक्टर सेम नहीं आ रहे, तो इस चीज को हम यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब ये हिट एंड ट्रायल से करेंगे। अब एक्स की वैल्यू आप कोई भी ले लो, बन लो, बन से ये जीरो हो जाएगा तो हम यहीं पर फिनिश कर देंगे, नहीं फिर माइनस 1 लेंगे, माइनस 1 से फिनिश हो जाएगा, या 2 या माइनस 2। तो हम पहले यहां पर क्या रखेंगे, -1, -1, 2 और -2। पहले हम 1 से ट्राई करेंगे ये हमारा पॉलीनोमियल जीरो होता है या नहीं। तो हमने यहां पर x = 1 लिखेंगे, तो 1³ - 3 × 1² - 9 × 1 - 5 - 1³ 1 आएगा, 1² 1 और 3 आ गया, 3 1 = 3, 9 1 = 9 और -5, तो ये 1 - 3 - 2 आएगा, -9 - 5 - 14 आएगा और यहां पर -2 - 16 ≠ 0, मतलब x = 1 पे ये पॉलीनोमियल जीरो नहीं हुआ। तो हम किसका ट्राई करेंगे, x = -1 से ट्राई करने जा रहे हैं, तो ये -1³ आ गया और इधर -3 × -1² -9 × -1 - 5। हिट एंड ट्रायल मतलब x 1 लिया, 0 नहीं आया, -1 लेंगे, तो -1³ तीन बार करेंगे तो -1 - 3 - 1² 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, -+ आ जाएगा, ये 9 आ गया और -5, तो -1 3 + 3 + 9 - 5, 9 - 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 - 3 - 4 + 4, ये कट के 0 आ गया, मतलब x = -1 ये जा सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है। 1 को इधर निकालेंगे तो x + 1 = 0, मतलब x + 1 is a factor of px, p का मतलब पॉलीनोमियल जो x में दिया है, इस पॉलीनोमियल का कौन फैक्टर है, x + 1, तो हमने x + 1 इसका फैक्टर निकाल लिया। अब हम डिवाइड करेंगे x + 1 से गिवन पॉलीनोमियल को। अब हम गिवन पॉलीनोमियल x³ - 3x² - 9x - 5 को x + 1 से डिवाइड करेंगे, x - 1 इसका सॉल्यूशन है क्योंकि इसे रखने से 0 आ गया। अब 1 को इधर ले आए, -1 से +1 आ गया, x + 1 = 0, तो x + 1 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा। डिवाइड कैसे करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, बड़ी पावर छोटी पावर और फिर डॉट डॉट, ऐसी बड़ी पावर इधर, तो इसका पहला टर्म लो, पहला टर्म क्या आएगा x³, और इसका पहला टर्म x, अब जब ये कटेगा कटने के बाद पावर 2 रह जाएगी तो ये x² आएगा, मतलब x³ को x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³, x² का 1 से करेंगे तो x², अब इसके साइन बदल दो नीचे तो प्लस से माइनस x³ प्लस का x³ माइनस का कट जाएगा, 3 - 3x² - -x² दोनों माइनस के हैं तो ये 1x² मानोगे तो ये क्या आ जाएगा -4x² आ जाएगा, और इसे ब्रिंक डाउन करो, ब्रिंक डाउन में क्या करो दोनों टर्म एक साथ ब्रिंक डाउन करना है, यहां पर 3 है तो 3 कर लेंगे, 1 है तो 1 कर लेंगे। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है -4x², उसे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे x से, तो 1x कट गया तो -4x आएगा, यहां पर आप -4x लिखेंगे, -4x का x से मल्टीप्लाई -4x² आएगा, -4x का प्लस से 1 करेंगे तो -4x आएगा। अब साइन बदल दो, माइनस से प्लस हो जाएगा, -4x², अब न्यू नंबर प्लस का है तो +4x² -4x² कट गया, -9x + 4x, तो ये माइनस का 5x आएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस होगा, एक प्लस 4x एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस होगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा, -5x। अब ब्रिंक डाउन करो -5 का, अब इसका पहला नंबर -5x है और इसका पहला तो डिवाइजर वही चलेगा और डिविडेंड क्या आया -5x और इसका पहला टर्म x, डिवाइड करोगे x x कट गया तो -5 को यहां लिखो, -5 पे x से मल्टीप्लाई करेंगे -5x, -5 का +1 से करेंगे -5, अब साइन बदल दो, माइनस से प्लस -5x + 5x कट गया 0 आया,
-5 + 5 बढ़ के 0, अगर आपकी वर्किंग सही है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब तुम्हारा ऊपर क्या बचा, x² - 4x - 5, ये जो आपका क्वेश्चेंट आया है, क्वेश्चेंट के मिडिल टर्म तोड़ करके फैक्टर्स होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके फैक्टर्स, सम कितना चाहिए हमें, सम चाहिए -2, सम कितना चाहिए बीच वाला, और प्रोडक्ट कितना चाहिए, फर्स्ट का कोएफिशिएंट x² का 1 है और इसका -5 है, तो हमें प्रोडक्ट चाहिए इसका -5। तो -4 को ब्रेकअप करेंगे, -4 को ब्रेकअप करो, -4 को दो ऐसे फैक्टर्स बना लो, सम आना चाहिए -2 और प्रोडक्ट -5, तो इसको क्या लिखेंगे, x² - 5x + 1x - 5। देखिए जरा ध्यान से, -5x + 1x - 4x आएगा, -5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, तो हमारी सारी प्रोसेस सही है यहाँ पर। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लो, तो यहाँ से x - 5 आएगा, यहाँ से कुछ नहीं है, 5 × 1 कर दो वही रहेगा, तो 1 कॉमन लेंगे तो x - 5 आएगा, और यहाँ पर एज इट इज x - 5 आ गया, इसको कॉमन ले लो, और x + 1 अगर वर्किंग सही है तो ये दोनों कॉमन फैक्टर सही आएंगे, तो x - 5 सही आ गए, कॉमन ले लिया x+। अब ये दो फैक्टर्स निकले, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करोगे तो दो आएंगे, लेकिन एक फैक्टर आपका ऑलरेडी पहले से था, वो क्या था आपका x+1, और दो अभी निकले, कौन सा निकला, एक x+1 निकला, एक x - 5 निकला, तो तीन टोटल फैक्टर्स निकले। तीन टोटल फैक्टर्स क्यों निकले, क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो सबसे पहले हमने अब इसे कॉमन लिया, कॉमन लेने से x-3 और 9x+5 दोनों को इक्वल नहीं आ रहे थे, हमने इस मेथड को ड्रॉप किया, फिर हमने हिट एंड ट्रायल लगाई, हिट एंड ट्रायल कौन सी मेथड लगा दी हमने यहाँ पर, हिट एंड ट्रायल, तो हिट एंड ट्रायल से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने अपने आप 1 ली, तो 1 से ये 0 नहीं हुआ, फिर हमने x की वैल्यू -1 ली, तो x की वैल्यू -1 से 0 आ गया, तो इसका मतलब x = फिर हमने x = -1 लिया, तो x = -1 से पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो इसका मतलब x - 1 इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, तो इसका ट्रांसफर करेंगे +1 = 0, तो x+1 इसका फैक्टर हुआ इस पॉलिनोमियल का, तो इस पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, जो क्वेश्चेंट आया x² - 4x - 5 उसके हमने फैक्टर्स कर लिए, x - 5 x + 1 आया, x+1 एक पहले का था, तो x + 1 x + 1 x - 5 तीन फैक्टर्स आए, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके के आते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक्स गॉड। अब हम इसका जो है कि थर्ड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।